नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। खनन माफियाओं ने गांव सुआवाला स्थित वन विभाग कैंप कार्यालय पर तैनात दरोगा से मारपीट करते हुए खूब हंगामा काटा। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की। वन विभाग चेक पोस्ट पर तैनात दरोगा श्यामलाल ने दो लोगों पर आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। पीड़ित ने तहरीर में आरोप लगाया कि करीब 1:30 बजे अपराह्न वह कैंप कार्यालय पर ड्यूटी पर तैनात था। इसी दौरान वहां खनन सामग्री से भरा डंपर गुजरा, जो कि बिना अभिवहन के लिए वहां से जा रहा था। डंपर चालक को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने डंपर की स्पीड बढ़ा दी। काफी दूर पीछा करने पर गांव मकसूदाबाद चौराहे पर डंपर पकड़ लिया। पकड़े गए डंपर चालक ने अभद्रता करते हुए अपने मालिकों को फोन से सूचना दी। डंपर रोके जाने की बात से डंपर स्वामी भड़क उठा तथा फोन पर खूब गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी तक दे डाली। इतना ही नहीं, कुछ समय बाद दो व्यक्ति गुड्डू व जिशान निवासी शेरकोट कैंप कार्यालय आए और मारपीट करते हुए कार्यालय में जमकर उत्पात मचाया व तोड़फोड़ की। पीड़ित वन दरोगा ने बामुश्किल भागकर जान बचाई। आरोपी जाते समय दोबारा रोके जाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़ित ने उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी देते हुए पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की। यादव वन दरोगा है, मैं यहाँ सुआवाला कान कार्यालय पर पहुंची हूँ। क्या पूरा मामला है? मामला ये था कि कल दोपहर 2 बजे के टाइम 10 तारीख की एक डंपर जसपुर से भूतपुरी की तरफ आ रहा था और मैं अपने बैरियर पर मैं ड्यूटी पे था। मैंने उसे हाथ से रोकने का इशारा किया, डंपर नहीं रुका। मैंने अपनी बाइक से उसका पीछा किया और मकसूदाबाद चौराहे पे उसे जाके रोका और उससे ईएफ के लिए कहा। ईएफ काटने के लिए तो ड्राइवर आग बबूला हो गया। उसने अपने नंबर से अपने मालिक से बात कराई। मालिक ने मारने फ़ोन पर गाली गलौज और मारने की धमकी दी और जैसे ही मैं वहां से हट के अपने कैंप कार्यालय पर पहुंचा तो उसने वहां पीछे से दो आदमी बुलेरो से आए और मेरे साथ मारपीट कर पुलिस को तहरीर दे दी। लेकिन अभी वहां मुकदमा अभी दर्ज कर।